हेलो जय हिंद दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कुछ यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन छोटा ही लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने कवर किया है यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइएगा और भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा चलिए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर चार में क्वेश्चन है और यहाँ पर चार मैंने नीचे क्वेश्चन कवर किया जो कि इस तरह है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे कि एक बराबर कितना होता है तो यहां पर मैं देता आप भी लिख लीजिएगा यदि कहीं आप लिख रहे होंगे तो एक मीटर बराबर आपका होता है एक दशमलव जीरो तीन छ गज होता है ठीक है इसलिए इतना आपका होता है एक मीटर बराबर इतना गज होता है अब इतना जो गज आपका दिया गया अब इसको हमको क्या करना है इतना जो गज हमको दिया गया कितना निकल है? मीटर निकाले पचास मीटर निकालना है तो ये जो आपका दिया गया एक दशमलव जीरो नौ तीन छः यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ एक दसमलौ जीरो नौ तीन पचास कर देंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा कि 50 मीटर में कितने गज होते हैं जब आप एक दसमलौ जीरो नौ तीन छः गुड़े पचास करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा दशमलव में ही आएगा ये आपका आ जाएगा मैं यहाँ पर पहले से निकाल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो और कोई भी गलतियाँ ना हो तो ये आपका जाएगा, आ जाएगा चौवन गज आ जाएगा ठीक है इसको ध्यान रखिएगा ये आपका एक सॉल्व हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया मतलब पचास मीटर में कितना गज होगा तो चौवन दशमलव छः आठ गज होगा इसको नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दो है दो सौ मीटर को मील में बदलिए दो सौ मीटर है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है मील में कन्वर्ट करना है आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कितने किलोमीटर बराबर आपका एक मील होता है इसको नोट कर लीजिएगा तो एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक किलोमीटर बराबर आपका होता है जीरो दशमलव छः दो एक तीन ये फार्मूला है इस फार्मूला के अंतर्गत ही आप निकाल पाएंगे अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे तो एक किलोमीटर बराबर आपका होता है जीरो दसमलौ छः दो एक तीन होता है अब इसको हमको क्या करना है कितना निकालना है दो सौ किलोमीटर निकालना है अब यहाँ पर यहाँ पर हम आगे गढ़ेंगे बराबर देख कर हम लिखेंगे जीरो दो एक तीन ठीक है गुड़े दो क्योंकि 200 किलोमीटर निकालना है तो हमको 200 किलोमीटर में गुणा करना पड़ेगा अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा इसको जब आप गुणा कीजिए गुणा कीजिए ये आपका आ जाएगा मैं पहले से गुणा किया हूँ मैं सबसे पहले आपको बता दिया हूँ तो चौबीस दशमलव आपका दो छः आ जाएगा इसको मिला लीजिएगा यदि अलग आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे क्वेश्चन नंबर तीन आपसे कह रहा है कि एक बीस मील को किलोमीटर में बदलिए एक सौ जो बीस मील है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है ये आपका किलोमीटर में बदलना तो सबसे पहले यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि जो एक सौ बीस मील है ये आपका कितना ऊपर मैंने आपको बताया था ये आपका जो मील में दिया था तो एक मील बराबर हमने आपको बताया था कितना था एक दशमलव ठीक है कितना था दोस्तों ये आपका था वो आपका था किसमें किलोमीटर में था और ये आपका मील में है तो मील से आपको किलोमीटर में बताना देखिए एकदम बिल्कुल उल्टा है हो सकता है कुछ लोग पकड़ लिए होंगे अब इसको क्या करना है हमको यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं वही आपका बात होगा एक आपका मील बराबर आपका हो जाएगा कितना किलोमीटर तो ये आपका जीरो छः दो एक तीन हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा जीरो दस एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरो या ए, एक सौ बीस एक सौ बीस पूछ रहा है तो एक आपका मिल बराबर एक दसमलव छः जीरो नौ तीन होगा ठीक है वो आपका होगा वहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल दिया था उसको मैं दिखा रहा था तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तो एक सौ बीस गुड़े जब आप करेंगे एक दसमलौ छः जीरो नौ तीन तो ये आपका कितना आ जाएगा एक सौ तिरानवे दसमलौ एक एक छः आ जाएगा सभी लोग गुणा करके देख लीजिएगा यदि अलग आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा चलिए अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीन अब चलिए क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं क्वेश्चन चार भी इम्पोर्टेंट है जिसमें पूछा गया है कि चालीस गज को मीटर में कन्वर्ट कीजिए मतलब कि चालीस गज जो है इसको हमको मीटर में बदलना है अब इसको हम कैसे बदलेंगे यहाँ से ध्यान से देख लीजिए चालीस गज है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक गज बराबर कितना मीटर होता है तो एक गज बराबर आपका होता है जीरो नौ एक चार चार मीटर होता है इसको देख लीजिएगा इसको लिख लीजिएगा आपको ही फायदा रहेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे एक गज बराबर कितना मीटर होता है जीरो दसमलो नौ एक चार चार मीटर होता है हमको चालीस गज निकालना है तो इतनी जो संख्या है जीरो दसमलो नौ एक चार चार इसको हम क्या करेंगे चालीस से गुणा कर देंगे अब जब चालीस में इसको गुणा करेंगे चालीस में यहाँ पर लिख देता हूँ चालीस गुड़े जीरो दसमलौ नौ एक चार चार जब आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा छत्तीस ध्यान दीजिएगा छत्तीस दशमलव पाँच सात छः आ जाएगा ये आपका आना चाहिए गुणा करके देख लीजिएगा मैं पहले से गुणा कर लिया लियाँ ताकि यहाँ पर गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा आपका समय ना लगे अब ये तो हो गया चार क्वेश्चन और मैंने नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किया है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि आठ वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलिए जो आठ वर्ग इंच है उसको हमें किस में बदलना है वर्ग सेमी सेमी में बदलना है मतलब सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको आप कैसे बदलेंगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कवर किया ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई आपको गलत जानकारी दी जा रही है ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा आपको जानकारी मिल जाएगी तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आठ पहले को यहाँ पर सॉल्व करते हैं कवाले को तो आठ वर्ग इंच को किस में बदलना है वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक वर्ग इंच बराबर कितना होता है ठीक है सबसे पहले इसको निकालेंगे वर्ग इंच है देख ध्यान से देखिए वर्ग इंच है आठ वर्ग इंच है तो पहले हम कितना निकालेंगे एक वर्ग इंच निकालेंगे तो एक वर्ग इंच बराबर कितना होता है वो हो आपका छः दशमलव पाँच होता है कितना होता है दोस्तों छः दसमलव पाँच होता है सभी लोग ध्यान से लिख लीजिएगा अब कितना हमसे कह रहा है आठ पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर आठ गुड़े छः दशमलव पाँच जब आठ गुड़ी छः दशमलव पाँच आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आप कूड़ा करके देख लीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना इक्यावन दशमलव छः वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा ये आपका हो गया अब हमको आठ वर्ग इंच इतना आपका आ गया तो अभी इसी का हम अभी उसमें निकालना है ये तो हमारा वर्ग में आ गया है अब हमको वर्ग सेमी में निकालना है तो ये आपका आ जाएगा इक्यावन दशमलव जी इक्यावन दशमलव छः आ जाएगा इसको ध्यान रखिएगा वर्ग आठ वर्ग इंच बराबर कितना हो जाएगा इक्यावन दशमलव छः वर्ग सेमी हो जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा अब अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे में सत्रह मील को किलोमीटर में बदलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सत्रह मील को किलोमीटर में बदलना है सभी को मालूम है एक मील बराबर कितना होता है मैंने आपको अभी बताया एक दसमलव छः अभी हमने निकाला भी था और एक दसमलौ छः हो गया तो सत्रह कर रहा है तो सत्रह गुणे क्या करेंगे एक दसमलव छ कर देंगे तो सत्रह गुणे एक दसमलव छ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सत्ताईस दशमलव दो आ जाएगा किमी आ जाएगा ठीक है तो सत्रह मील बराबर हमारा कितना आ गया सत्ताईस दशमलव दो किमी ये हमारा उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग में पांच गैलन को लीटर में बदलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सबसे पहले एक गैलन का बताइए तो यहाँ पर एक गैलन बराबर हमारा कितना होता है एक गैलन बराबर होता है चार दशमलव पाँच लीटर होता है कितना होता है दोस्तों चार दशमलव पाँच लीटर होता है तो पाँच गैलन का मान कितना होगा तो यहाँ पर पाँच गैलन बराबर हम लिखेंगे तो पाँच गैलन बराबर पाँच गुड़े आपका चार दशमलव पाँच आ जाएगा तो चार दशमलव पाँच गुड़े जब आप पाँच करेंगे तो बाईस दशमलव कितना आ जाएगा पाँच आ जाएगा तो बाईस दशमलव पाँच इसमें हमारा सही हो जाएगा अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पाँच पे क्वेश्चन नंबर पाँच इंपॉर्टेंट है देखिए 110 सौ दस जो फारना है इसको हमको किस में बदलना है सेल्सियस में बदलना है और जो सूत्र होता है इसका सेंटी सेल्सियस में बदलने का या सेंटीग्रेड कह दें यहाँ पर बदलने का तो ये किताब क्या होता है एफ माइनस बत्तीस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये आपका क्वेश्चन में हो जाता है गुड़े पाँच बटे नौ हो जाता है फारने हाइट में ये हमारा सूत्र होता है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि सेल्सियस में मान ज्ञात कीजिए तो हमको सेल्सियस में मान ज्ञात करना है आप देखिए तो यहाँ पर सेल्सियस में मान ज्ञात करेंगे तो ये हमारा जो सी है ये हमारा बाहर निकलेगा तो सेल्सियस सेंटीग्रेड का जो आपका हो जाएगा 110 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 110 सौ माइनस बत्तीस इसका जो होता है ठीक है और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इसके सूत्र पर भी रख के निकाल सकते कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये आपका 110 जो आपका फारना का दिया गया है और यहाँ पर जो 32 है वो आपका सूत्र में है या नहीं कि आप सजिएगा कि यहाँ पर 32 कैसे है तो ये आपका सूत्र में है ठीक है तो एक सौ हो जाएगा गुड़े पाँच ये भी आपका सूत्र में है अब इसको कीजिए बराबर कितना आता है तो ये आपका बराबर आ जाएगा यहाँ पर आप माइनस कीजिए एक सौ माइनस बत्तीस आप करेंगे तो ये आपका अठहत्तर आ जाएगा तो अठहत्तर और ये आपका गुणे हो जाएगा पाँच बट्टे नौ अब इसको गुणा कीजिए देखते हैं कितना आता है तो आप गुणा करेंगे अठहत्तर अच्छा गुणे पाँच मतलब तीन सौ नब्बे आएगा ध्यान रखिएगा तो कितना आएगा तीन सौ नब्बे आएगा तीन सौ नब्बे बटे और नीचे हमारा नौ बचा था तो नौ करेंगे अब नौ से भाग दीजिए तीन सौ नब्बे में तो कितना आ जाता है तिरालीस दसमलव तीन तीन आएगा सभी लोग मिला जाइए तिरालीस दशमलव तीन तीन आएगा तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इसी तरह इसको लगाते हैं यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा आपको डेली इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में